गजब हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों मनजीत कोथ की राम राम। साथियों खटखट टोल प्लाजा पे खड़े थे पूरे भाई, आज ऐसा माहौल हो रहा देखना कि जो तैयारी देखी जावे तो 24 तक कर लेके जाना है, क्योंकि पक्की छत बना ली है और अभी एक डीएपी पे भी बड़ा सवाल उठ गया है कि जो किसानों की फसलों में जो डीएपी पड़ता है उसमें भी काफी इजाफा किया गया है। और प्रधान जी हमारे साथ खेड़ा खाप के प्रधान सतवीर पहलवान जी बात करेंगे। राम राम प्रधान जी। हाँ राम राम भाई। राम प्रधान जी, जो पक्की छत लगा ली, पक्के घर बनाए दिए, ये कब तक तैयारी कर ली आपने? ये हमने तैयारी कर ली भाई 2024 तक की। हमें हाँ 24 तक बैठेंगे, 2024 में सरकारें बदलनी है। अच्छा, जब अगली सरकार न्यू कहेगी भाई काले कानून वापिस ले जाओ और एमएफसी में गारंटी ले जाओ तो हम उसने सरकार ने बना देंगे। इसने तो बन देते ही नहीं, या किमें भी करो इसने सरकार ने नहीं बन देंगे। लेकिन 2024 की इसलिए तैयारी भाई, इलेक्शन है 2024 में, इसलिए हम 2024 क्योंकि इस सरकार का हमने कोई विश्वास नहीं, टूट गए इसके विश्वास, चार भी नहीं हो गए हमारे, 3.5 साल भी मर गए। देखिए हालात के, आपका कैमरा घुमा के देखो हालात के, गर्मी में दाने हमें दाने हमारे खेत में पड़े हुए, देख बुजुर्ग हमारे इसमें बैठे, हमारा आज बुरा हाल है पूरा देश में, खिंडा फिड़ा किसान मजदूर दुकानदार सारे काम बंद, ठेप बंद को रबजाया में पानी की घूटनी कड़िया, ये कोई विकास कर सकते नहीं, कॉलेज मेडिकल कॉलेज जी नूनी कहे थे अच्छे दिन आओगे पूरा देश की लंबी लाइन अच्छे दिन के लिए। अभी एक खाद का कट्टा था डीएपी का था, उसमें काफी इजाफा किया गया है, तो ये अच्छे दिन है डीएपी का, 2000 का डीएपी और 900 का यूरिया जो 100 से 150 का आया करता, वहाँ 6 दिन तक तो हमारे यहाँ आएगी रोड हम गेट दिया हमने। अच्छा अच्छे दिन ये हमारे पहला आ लिए, इसके अच्छे दिन नहीं है, ये बुरे दिन है भाई, इनकी शक्ल में बुरे दिन थे, तो गलती हुई हमारा देश थे 135 करोड़ आबादी तक गलती हुई के झूठ बोल के हमारे गाँव में मैच खोल ले, 1 लाख रुपये दे दूंगा भाई और पीछा है नहीं ले जे दू अपनी मैच। इसने तो हमारे देश के साथ यूँ काम कर दिया, झूठ बोल के राज ले गया, दोबारा ऐसा ना सोचे ना इसका राज है। प्रधान जी उसका कुछ 10-20 रुपये बटाए थे लेकिन पूरा एकदम 700 रुपये। इसने ज्ञान तो को नहीं, ना इसने खेती करनिया, ना इसका किसान, ना मजदूर, ना जवान, इसने खेती का ज्ञान तो को नहीं, इसने तो अम्बानी अडानी दिखे हैं, दो परिवार दिखे हैं हमारे, करोड़ों अरबों परिवार कहाँ जाएंगे भाई, इसलिए तो हम इसको हटावांगे, इसलिए तो हम, इसने ये मालूम नहीं था। आज आपका चैनल के इसको आप साफ कहते हैं, रोज का रोज हमारा क्रोश और हमारी नफरी रोज की रोज बढ़ती है। कहाँ है हमारा अम्बेडकर साहब का ये आर्ट ले गई है, कहे हम जयंती मनावा, 70 साल कहाँ था, तो अम्बेडकर साहब तो हमारा है, हमारा देवता है, भगवान है, 70 साल में नहीं समाया था ना अम्बेडकर, सिर्फ कुर्सी का लालच में अम्बेडकर को डर है, सिर्फ अम्बेडकर को रत तो सिर क्यों बुड़वा, राजी कुछ ही मना हमारे गाँव में मना लग रहे, टोल प्लाजा पर हम बनावांगे, तेरा न्यारा है कि अम्बेडकर मारा कोई नहीं, तेरा कुछ नहीं, ये मंदिर मस्जिद ये सिर्फ कुर्सी के मारे हैं, तोड़े सब कुछ मारा हाथ देश में। इस तरह का भाषण देना ये सरकार के द्वारा क्या साबित करता है, जैसे ये कह रहे हैं कि अम्बेडकर जयंती हम मनाएंगे वहाँ आके मनाएंगे, क्या कुछ है हमारा भाईचारा तोड़न खातर है, यू हमारा भाईचारा तोड़न खातर है भाई, अम्बेडकर दूसरी बिरादरी का है, छोटू राम तीसरी दूसरी बिरादरी का है, मारे तो सारे हैं, मारे तो सारे ही हैं, हम तो सभी धर्मा का ओकरा हाँ, इनकी डर थोड़ा है, ये मस्जिद का को नहीं करते आदर, हम तो मस्जिद का भी आदर करा, सरस का भी आदर करा, गुरुद्वारा का भी आदर करा, मंदिर का भी करा, हाँ इसने 6 साल में ये तोड़े अयोध्या तारी नहीं बनाएंगे बताएंगे, मंदिर यही बनाएंगे, क्या नारे हैं इसके, अरे क्या मन से इनमें, इनमें कोई है धरती, धरती का जमे एक भी नहीं, एक लोग
लोकतंत्र नहीं है भाई, ये खून तत्र है, लड़ तत्र है। लेकिन एक बात सुन ले, पूरा भारत में हमने तैयारी कर ली है, इसका लठने भी देखेंगे, इसकी गोलियां भी देखेंगे, लेकिन थोड़ा देखेंगे शांति पूर्वक। प्रधान जी, मैंने 2013 का डाटा उठाया था, उसमें जो MSP तय की गई थी नहीं, उसे ज्यादा खर्चा दिखाया और उसकी वजह से बहुत ज्यादा किसानों की मौत हुई है, खुदकुशी करी किसानों ने। तो MSP से ज्यादा लागत अगर किसान की आवा है तो उसमें किसान का तो नुकसान है, तो ये अच्छे दिन कैसे आवेंगे फिर? किसान का तो नुकसान है, इसने किसान नहीं, इन्हें किसान और मजदूर का रजा होगा बेचारा, जो किसान का किसान का नुकसान हो गया तो मजदूर का भी हो गया, मजदूर का रजा होगा। जब किसान मर गया तो मजदूर मर गया, किसान का मजदूर का दुकानदार का आर्थिक तो दामन चोली का नाता रहा है, इसने क्या मालूम खेती करना जानता नहीं, इसने न्यू बता दिया भाई क्यों है मारा, इसका बैल है, सेठी है, टाट है, दाने बता दो के है, सरसम है, इन्हें बता दो एक फली में कई दाने हैं, प्रधानमंत्री में माफी मांगूंगा, एक फली में कई दाने हैं मैं बता दूंगा, हमारे किसान बता देंगे, छोटे छोटे दाने हैं लेकिन मैं बताऊं कोई नहीं चैनल पर, प्रधानमंत्री बता दो जब आपको मीडिया पूछे, मुंह पर मुंह नहीं छोड़ूंगा और माफी मांगूंगा, देश में माफी मांगूंगा। बीजेपी का आदमी बता दो, कोई और बोलो, खट्टर बता दो, मनोहर लाल खट्टर बता दो, कृषि मंत्री बता दो, ये कृषि मंत्री है, ये तो मैं किसान है, ये बता दो एक फली में कई दाने हैं, एक हल में कितने रास गले हैं, कितने में सुराख हैं, एक हल में कै बड़ो जुड़े, ये बता दो, ये कहगा दो हम तीन भी जोड़ा, हाँ चार भी जोड़ा है, एक गाड़ी बींड लाड़ दे पहला तीन तीन जोड़िया कर दे, इन्हें सिर्फ भाई सवा एक कुर्सी थे, देश में कुछ नहीं कर, सिर्फ तोड़ फोड़ उजाड़, लेकिन हमने इनका बेरा पाट दिया, ना तो हम टूटेंगे ना उजाड़ करेंगे, क्यों तोड़ फोड़ कराएं तो हमारा होगा, आज नहीं करेंगे तो हमारी होगी, पुलिस मारी, ITBP मारी, आर्मी मारी, किसान मारे, मजदूर मारे, सब कुछ मारा है, तो बोला गया। प्रधान जी, एक बहुत शिक्षित और पढ़ी लिखी बीमारी आ रही है जिसका नाम कोरोना है, रात ना तो आवा है तो कर्फ्यू लग जाए, दिन में रैलिया में बड़े बड़े सभा हुआ रैली, उसमें क्या तो नहीं आती वो पढ़ी लिखी बीमारी कोरोना। अच्छा न्यू बता भाई, यू कोरोना है, यू भी जात बिरादरी में बटे है, जो कोरोना है यू न्यू देख रहे, यू मुसलमान है, यू हिंदू है, यू चमार है, लोहार है, कुमार है, जाट है, ब्राह्मण, यू भी देख रहे घुमाइए, पूरा कोरोना को नहीं, दिल्ली बॉर्डर पर कोरोना को नहीं, दिल्ली बॉर्डर पर कोरोना को नहीं, इनकी जो रैली है पश्चिम बंगाल में रैली ओड़ा कोरोना को नहीं, पांच राज्य में रैली ओड़ा कोरोना को नहीं, कौन सी समझदारी ले रहे हैं, ये भी लूटे हैं शहर बाजारा में, रात ने कर्फ्यू लगावा, रात ने कोरोना आवेगा, रात ने लगा दे कर्फ्यू। अच्छा उसका कोरोना का चार आंख है, रात ने दिखा है उसने और दिन में नहीं दिखता, ये सारी बकवास है, कोई कोरोना नहीं, ने लूटन का बम तेरा क्या, चलान काटे हैं शहर में, वो कोरोना है तेरे, और उरा को नहीं करता हमारा कोई चलान, उरा एक कोरोना दो गाड़ियां बैठ के जाएंगे, चार महीने से किसान बैठे लाखों की संख्या में, आपस में छोड़ भी पड़ता है, कुदड़े छोड़ सारा अपसरी में पड़ता है, पत्र भी पड़ता है, किसी का एक आदमी का भी कोरोना नहीं होया है, एक लंगर में खाना खावा, एक बिस्तर में सोवा, एक रोड पर रहा और कट्ठे रहा, सरदार भी ओका पीन लागे मारे भाई बड़े भाई ओका कट्ठे पीवा, वो कोरोना कौन सा भाई मारे, यही नहीं मेरा कोरोना कौन सा, कोरोना के बताई कोरोना है, ये सारे सारा कोरोना, ये सिर्फ हथकंडे हैं, ये सरकार हथकंडे कर रही है, ये हथकंडे हो गए फैल, ये भी चारों तरफ घूम रही है, कोई किसी धर्म का सहारा ले है, कोई किसी धर्म का सहारा ले है, कोरोना एक साल पहला भी आया था, इस टाइम ये बिल आए, फिर ये कोरोना आ गया, ईब के संभावना है भाई, कोरोना हमने लागू कराया था, के था इस पे सरकार पे के था, हमने गाँव में ठीकरी पैरे दिए थे, रोडों पे ठीकरी पैरे दिए थे, सरकार का भरोसा ही माले बाट आएगी, या सरकार वादा कर सकती कि मैं बचाऊंगा, हम आपस में भाईचारा बचावा, डांगर जिसके डांगर डूबे डांगर काटा हम बाहर, जिसका न्यार बीज या दाने बीज उसे न्यार काटा, एक दूसरे से मिलकेगा, सरकार का तो इन क्या है, नहीं बेरा भाई क्या ना मेरा खुआ है, इन निरा राज करने का बेरा बिल्कुल,
छः साल में हम सीख लिए, देश सीख लिया। कौन राजी है बता दे भाई, दुकानदार मजदूर किसान प्रवासी मजदूर का इन्हें बेरे को नहीं भाई देश में प्रवासी मजदूर। ये कोरोना में इन्हें अचानक कोरोना ला दिया, वह ला दी धारा कौन सी गए हैं कर्फ्यू, इन्हें न्यू नहीं बेरा मेरे देश में कितने मजदूर हैं। धारा 144 लागू कर दी गई थी और जो मजदूर थे नहीं बाहर दूसरे स्टेट के, हाँ बेचारे पैदल चल कर पैदल चल के गए, वह थे प्रवासी मजदूर जो कि इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं। मजदूर किसान दुकानदार गए इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं, इनके पास अंबानी रडानी दो हरिये भी फंस रहे ही वे, हमने बेरा पटा। फिर भी प्रधान जी एक आम आदमी ने उनकी सहायता करी थी जो प्रवासी मजदूर थे, हाँ सरकार ने कोई सहायता नहीं करी। सरकार ने तो दबाए दिए, मरो जुड़ो कटो, आम दुकानदार ने किसान मजदूर ने सहायता करी थी भाई रोटी खा लो पानी पी लो, आप अपना घर पुजा किराया दे लो भाई, आप अपना घर पुजा भाई ने दुख तो घने दे रखे हैं, घने दुख दे रखे, लेकिन इसका हाथ ही गलत जाला क्या इसका हाथ, और इसने एक दिन झुकना पड़ेगा और झुका के छोड़ देंगे। आपका सैन से कहा वादा करा, हाँ इब तो रस्सा कसी होगी 12 न्यून देख एक आधा पापी इनका दे दी बीजेपी का मारा में, ये मारा ले तंकरे हमने चैनल युवेंद्र तंकरे हमने जे यू भी एक दो मारा का नहीं आज नहीं रस्सा खिंचाई में 100 ग्राम आंगा यानी 100 ग्राम ताकत मारा का नहीं आएगी, नहीं हम जीते बैठे हैं नहीं तो हम अपना खुद आंगा लावांगे जीतेंगे, हमें तो रस्सा खिंचाई में जीतेंगे। ये सूचना तन पड़ेगी, हाँ बाहर काट लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो प्रधान जी के विचार सुने हैं, दो तीन सवाल मन में थे, ये आप लोगों तक शेयर करने की कोशिश करी है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। डीएपी का कट्टा जो महंगा कर दिया गया, क्या यही अच्छे दिन है? एक सभ्य कमेंट के जरिए अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देनी है। धन्यवाद।